हेलो दोस्तों, अवेयर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेपर से रिलेटेड कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो हम पेपर कैसे करेंगे, या फिर हमें पेपर से डर लग रहा है, कैसे पेपर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चाहे हम कितना भी पढ़ लें फिर भी हमको यही लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हमारी कुछ भी तैयारी नहीं है, अंदर से घबराहट होती है, डर लगता है, पता नहीं कैसा पेपर होगा। तो इन सब चीज़ों से हमको बिल्कुल घबराना नहीं है। तैयारी करने वाले हर एक बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। जब हम लोगों ने तैयारी की थी तो हमारे साथ भी यही हुआ था। डर लगने का एक कारण ये भी हो सकता है कि हम सोचते हैं 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इतने सारे बच्चे पेपर देने जाएंगे तो हमारा पेपर क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने बच्चों ने फॉर्म भराए हुए सभी बच्चे पेपर देने जाएं। लगभग 60 से 70% बच्चे ही पेपर देने जा पाते हैं। ये वैकेंसी अब तक की दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसमें कि लगभग 7,500 वैकेंसी हैं। पिछली बार 2020 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 6,000 वैकेंसी थी और लगभग 28 लाख फॉर्म भरे गए थे। जिस हिसाब से इस बार वैकेंसी की संख्या बढ़ी है उसी हिसाब से फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं। पेपर कैसा आता है और कितने बच्चे पेपर देने जाते हैं उस हिसाब से आपकी फ़िज़िकल की कट ऑफ बनती है। लगभग 12 गुना बच्चे फिज़िकल के लिए बुलाए जाते हैं। अगर हम वैकेंसी का 12 गुना करें तो लगभग 90 से 1 लाख बच्चे फिज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे। अभी इन सब बातों पर ध्यान देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट हैं, जिसमें कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 8 से 10 दिन का टाइम रह गया है। फिर आप लोग पूछते हैं कि मैम हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करें। आपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं या आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ें, उसी का बार बार रिवीजन करें, और हो सके तो नई चीज़ों को पढ़ने से बिल्कुल बचें। अब हम बात करते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दिल्ली पुलिस के पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 90 मिनट में करने होते हैं। अब हमें सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेज करना है। जैसे कि 50 क्वेश्चन GS के पूछे जाते हैं तो 50 क्वेश्चन GS के हम 25 से 30 मिनट में आराम से कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर की कंप्यूटर पूछी जाती है और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हम 5 मिनट में आराम से कर सकते हैं। इसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी करते हैं तो आराम से 25 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में हो सकते हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन 2 मिनट में भी करते हैं तो 15 क्वेश्चन मैथ के 30 मिनट में हम आराम से कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि पहले कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। अब हमें करना है कि जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं पहले वो क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन हमें डाउट लगता है कि उस पर हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा तो उस क्वेश्चन को हमें बाद के लिए छोड़ देना है, और लगता है जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है या फिर जिस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते हैं उस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो हम पेपर कैसे करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर करने के लिए कंप्यूटर चलाना आए। वहाँ पर माउस से हमें सिर्फ इतना काम करना है कि अपने आंसर को सेलेक्ट करना है, उसको सेव करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाना है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो क्लासरूम में जो पेपर कराने वाली टीम होती है आप उनसे पूछ सकते हैं।